हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, हमने एलटी ग्रेड के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, उसमें आज की जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारी सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है इसी चैनल पे। तो ये हम वर्क बुक एक्सरसाइज बी करेंगे एसपी बख्शी की। इफ़ यू डोंट हैव बुक तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं, अगर बुक है तो आप उसको भी लेकर के बैठ सकते हैं ताकि और क्लैरिटी आए अगर आपको कुछ ठीक से विजिबल नहीं होता है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, कोमल वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हर फ्रेंड्स व्हेन शी लॉस्ट ऑल हर मनी। तो देखिए, कई बार क्या होता है, अगर आपको पूरा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता हो तो भी आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो ऐसे कि बाय हर फ्रेंड्स व्हेन शी लॉस्ट ऑल हर मनी, जब उसके सारे पैसे चले गए थे, ठीक है। तो वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, तो अब उसकी सिचुएशन कैसी होगी, वाउंडेड रिजेक्टेड डिप्रेस्ड। अब देखिए, एलिमिनेशन मेथड का अगर आप यूज़ करते हो तो रिजेक्टेड बिल्कुल भी नहीं होगा, भाई पैसा सारा खत्म हो गया तो रिजेक्शन का कोई मतलब नहीं है, डिप्रेस का कोई मतलब नहीं है। वाउंडेड मतलब चोट लग गई थी, इस कंडीशन में छूट गई, ऐसा भी नहीं है। आइसोलेटेड मतलब अकेली रह गई थी, ठीक है। वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, आइसोलेटेड रह गई थी, जिसके पास में कोई हेल्प नहीं थी, कोई वे आउट दूसरा नहीं था, और वो पूरे पैसे खर्च होने के बाद में शी वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टी स्टालवर्ट्स हैव एडवाइज द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब बहुत क्षण भर के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन, तो लाइंग डाउन का मतलब यहाँ पे होता है टू शो नो रिएक्शन, ठीक है। कुछ टाइम के लिए एडवाइस किया प्रेसिडेंट को कि आप किसी भी तरीके का कोई भी अपना रिएक्शन ना दें, मतलब होता है ना फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, तो किसी भी चीज़ पे किसी भी तरीके का आप रिएक्शन ना दें, यू हैव टू बी स्टैग्नेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज़ इन द ऑफिंग, ठीक है। फॉर द वर्ल्ड यूनिटी मतलब यूनिटी कहते हैं जो मुट्ठी भर के आप कहते हो ना कि हाँ हमारे अंदर एकता है, तो ये जो मूवमेंट था वो क्या था, इज़ इन द ऑफिंग, सो इट वाज अबाउट टू स्टार्ट, वो स्टार्ट होने ही वाला था, तो उसे कहते हैं अबाउट टू स्टार्ट इन द ऑफिंग। नेक्स्ट है, सीता इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। सीता इज़ नॉट कट आउट, अब कट आउट से वही, अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी अपने आंसर में। तो वो सीता क्या थी, वो सूटेबल नहीं थी, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, सीता इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, इस वर्क के लिए सीता सूटेबल कंसिडर नहीं की गई। नेक्स्ट है फिफ्थ, हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। ये तो मोस्टली पता होगा सबको, अ हिडन एनिमी छुपा हुआ जो दुश्मन होता है। कई बार हम बहुत ट्रस्ट करते हैं और सिचुएशन को एज ग्रांटेड लेके चलते रहते हैं और ऑल ऑफ सडन पता चलता है, अच्छा ही इज़ अ स्नेक इन द ग्रास, कि अच्छा ये है असल एनिमी, तो ठीक है। इसलिए हमेशा बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, स्पेशली जब आपके गोल की बात हो, आपके फ्यूचर की बात हो, राइट। चलिए सिक्स देखते हैं, द पॉलिटिशियन वॉज एबल टू स्वे द मॉब विद हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, गिफ्ट ऑफ द गैप। आप किसी भी एग्जाम को ले सकते हो जहाँ लिटरेचर से रिलेटेड है, ग्रामर जहाँ पर आती है लैंग्वेज पोर्शन, और काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। आपके अंदर एक अच्छी आर्ट हो सबको अट्रैक्ट करने की, तो फ्लुएंसी ऑफ स्पीच इज़ द करेक्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द इन द कंट्री। अब देखिए, बर्ड्स आई व्यू क्या होता है कि कुछ idiom phrases इस टाइप के होते हैं कि कल भी मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था और मैं अपनी हर क्लास में बताऊंगी क्योंकि रोज़ नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, आपको उसका सही यूज़ आना चाहिए क्योंकि उसकी मीनिंग वेरिएट करती है, ऑप्शन वेरिएट करते हैं। आप जैसे सोचो कि हम रट लें, तो प्लीज़ मेरी एडवाइस यही है कि आप रटिए मत, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, उसकी मीनिंग चेंज होती है, उसके ऑप्शन चेंज होते हैं। एग्जैक्ट वही ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कि सेम उसकी मीनिंग मिल जाए और आपने रट लिया, सेम वही ऑप्शन मिल जाए, फिर आपका आंसर क्या है, गलत हो जाता है। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द idiom and phrases, ठीक है, वो वेरिएट करता है। तो द स्पीकर गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू होता है, बर्ड क्या करती है, ऊपर उड़ती है आसमान में, फ्लाई करती है, तो वहाँ से जो ओवरऑल व्यू होता है, ठीक है,
इसीलिए इसको बोला गया बर्ड्स आई व्यू। तो उसके लिए ये चीज़ दी गई है, मतलब एक जनरल व्यू, एक ओवरव्यू जो लेते हैं ना कि पूरा होल में इसको हम क्या बता सकते हैं, तो उसने एक जनरल व्यू प्रेजेंट किया, ठीक है, बर्ड्स आई व्यू में उसने उस चीज़ को प्रेजेंट किया। एट्थ है, आफ्टर सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स राम हैज डिसाइडेड टू स्टिक टू द स्ट्रेट एंड नैरो पाथ इन फ्यूचर। ठीक है, अब क्या है, आफ्टर सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स, वाइल्ड ओट्स राम हैज डिसाइडेड, राम ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में अपने इसी पाथ पे, मतलब जिस जो उसने सोचा है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, उसी पे वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने पाथ मतलब अपने रास्ते पे स्टिक रहेगा, अड़ा रहेगा। तो इसका आंसर होगा डी, गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ इररेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग, मतलब कि जहाँ प्लेजर सीकिंग मतलब जहाँ पे सिर्फ इन्जॉयमेंट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं हो। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो तो आप गंभीर होगे, आपका एक सेट पैटर्न होगा। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि 100% आप TGT PGT LT को कैसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है, जो सीरियस हैं उनको वो चीज़ समझ में आएगी, फॉलो करेंगे तो मैं खुद गारंटी देती हूँ 100% क्रैक होगा। लेकिन वही है ना, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हो, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अपने फ्यूचर के लिए, खुद ही आप उस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो, तो नथिंग इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। उसी तरीके से ये है कि गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ इररेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग, जब आप सिर्फ मौज मस्ती में आ जाओगे तो वहाँ पे आप इररेस्पॉन्सिबल ही होगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी आपके अंदर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ही टेल्स स्टोरीज अबाउट हिमसेल्फ ही इज इंस्पायर्ड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, ठीक है, तो ही इज़ इंस्पायर्ड, किस चीज़ के इंस्पायर्ड होता है वो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, मतलब लॉन्ग बो से आप लगा सकते हो लंबा, किसी चीज़ को लंबा खींचना, एग्जैगरेट, बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जैगरेशन बोलते नहीं है, हिज स्पीच वॉज रियली एग्जैगरेटेड, द टॉपिक माई टीचर एक्सप्लेन मी वॉज एग्जैगरेटेड, ठीक है, मतलब कि इतनी सी चीज़ है, अब इसको खींच के आपने काफ़ी लंबा कर दिया, बढ़ा चढ़ा करके उसको लंबा करते गए, लंबा करते, टॉपिक छोटा सा ही है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द एग्जैगरेशन और एग्जैगरेट। तो यहाँ पे 9th का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है ये। 10th, ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड। अब सीधी सी बात है, आप खुद ही देख लो, कनेक्ट हो रहा है विद अ हाई हैंड, ठीक है, हाई हैंड मतलब खूब तानाशाही तरीके से, ऑप्रेसिवली, ऑप्रेसिवली, इससे क्या, अब देखिए इससे एक चीज़ और होती है कि आपका जो वोकैबलरी है वो भी इम्प्रूव होता है, इससे आपके सिनोनिम एंटोनिम्स भी इम्प्रूव होते हैं, इसलिए वोकैब्स में चाहे आपके इडियम फ्रेजेज हो, फ्रेजल वर्ब हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सिनोनिम एंटोनिम हो, कोई भी चीज़ हो, वो वाइस वर्सा एक दूसरे को इफेक्ट करती है और हेल्प करती है, सबसे बड़ी बात है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इन वीडियोज़ को सीरियसली लिया करिए और बहुत ही इन्जॉय करके क्लास को देखा करिए, बिल्कुल भी बर्डन लेकर नहीं। और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर लगती है, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द क्वेश्चन, देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो देखिए, ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड, मतलब ऑप्रेसिवली, उसने जिसको कहते हैं ना दबाव डाल, डोमिनेट जिसको आप किसी को करते हो, दबाते हो किसी को आप, कि नहीं उस पर तानाशाही तरीके से डिक्टेटरशिप अपनी जो करते हो, ऑप्रेसिवली, ऑप्रेस मतलब होता है किसी को दबाना, ठीक है, तो विद अ हाई हैंड। अब आता है, ही डिड मी अ गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ही डिड मी अ गुड टर्न, उसने मेरे लिए अच्छा किया मुझे रिकमेंड करके, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट की पोस्ट दिलवा के, ही डिड मी अ गुड टर्न, तो उसने किया क्या, डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। कहते हैं ना कि कई बार मेरे पास में, कल भी मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए कि मैम आप बहुत अच्छे से समझाती हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए कुछ भी हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो डेडिकेशन के साथ, अगर उसको अप्रेजल मिलता है, अगर आप उसको प्रेज करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो खुशी तो आपको होती है, अच्छा भी लगता है, इनफैक्ट आपका मन करता है कि और आप खुद में इम्प्रूवमेंट करो और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सको। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, अपना जो भी आपका सजेशन होता है वो ज़रूर दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो उसने अपनी एक काइंडनेस दिखाई, एक अच्छाई दिखाई अपनी, उसका नाम आगे बढ़ा के प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। 12th इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, टुडेज क्लास। बीइंग एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, जो बहुत खुला रहता है, एक्सटीरियर से लगा सकते हो आप एक्सट्रोवर्ट, जो भाई बहुत ओपन होता है, ये तो हो गया हमारा एक्सट्रोवर्ट। और एक होता है इंट्रोवर्ट, जो बहुत छोटा सा स्पेस, अपने ही स्पेस में
वो इंसान घूमता रहता है, ना किसी को कुछ बोलेगा, ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, ना अपनी प्रॉब्लम बताएगा, ना ही उनके फेस पे आपको कोई ऐसे एक्सप्रेशन दिखेंगे हैप्पीनेस के या सैडनेस के. मींस वो अपनी जो भी खुशियां गम रहते हैं वो अपने ही अंदर, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, बहुत कम बात करते हैं. ठीक है, तो ही विल ओनली ईट हिज हार्ट आउट. तो वो क्या होगा, ही विल ओनली ईट हिज हार्ट आउट. तो वो क्या करेगा, अपने ही हार्ट को परेशान करेगा. हार्ट आउट का ईट मतलब खाना ही नहीं है, तो वो खुद को ही परेशान करेगा भाई. तो सफ़र साइलेंटली, तो वो क्या होगा, खुद ही साइलेंटली सफ़र करेगा. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी आपके मन में हो जरूर किसी ना किसी से शेयर करना चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो. पेरेंट्स हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, सबसे अच्छे गाइड करते हैं वो हमें. तो हर चीज़ आपको शेयर करनी चाहिए, इसलिए ईट हिज हार्ट आउट. ठीक है, ये डिस्कशन भी हो गया, चीज़ें आपको याद भी रहेगी. आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा. 12 क्वेश्चंस आपके सुबह सुबह प्रिपेयर हो गए. और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माई वीडियोस. और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम. और आपके पास में अब लिटरेचर के भी वीडियोज़ मिलेंगे, काफ़ी रिक्वेस्ट आपकी आई हैं और आपकी रिक्वेस्ट को मैं हमेशा रजिस्टर करती हूँ. ये मत सोचिए कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती. तो अब आपके पास में TGT की हम जो लिटरेचर सीरीज़ है वो भी कवर करेंगे. थैंक यू.